तो इस देश के सौ सौ जज्बात रहेगी, इससे देश के भद्रा तंत्र को मजबूत होगी, देश के पार्लियामेंट से कई लोग आ गए घुसे, वहां आकर स्लोगन दे दी और जो कुछ हुआ वो खाली देशवासियों को सदस्य को देश के गृहमंत्री ने आकर बताने की आवश्यकता है। इसकी मांग देश के अभ्युदय भारती के लोगों ने की, इसकी कीमत 140 से ज्यादा सांसदों को सदन के बाहर रखने का काम मोदी सरकार ने किया। वो समझते हैं कि विपक्ष के लोगों के खिलाफ इस तरह से कदम उठाएंगे तो देश की विपक्ष उनका आवाज हम बंद कर सकते हैं। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि देश की संसद हो, प्रजातंत्र हो, इसके उठाने के लिए जो कुछ कीमत देनी पड़ेगी वो कीमत देने के लिए आज लंच में बैठे हुए सभी राजनीतिकदल पूरे दिल से तैयार है, संकट बड़ा है। आज गांव गांव में हम जाकर देखते हैं इस देश के गरीब लोगों की भूख की समस्या हल करने वाला किसान आत्महत्या के रास्ते पर जाता है, फैक्ट्री में काम करने वाला नौजवान कारोबार आज अपनी मेहनत की कीमत मिलती नहीं इसलिए दुखी है। हम देश में गांव में रहने वाला आदिवासी हो या दलित हो अपनी समस्या के हल होते नहीं इसलिए वो दुखी है। और ये सब करने वाली ये सब नौबत वाली एक ही फीजा है, इस फीजा का नाम भारतीय जनता पार्टी है। और इसलिए आप लोगों को हम लोगों को ये जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। अभी चाहे वो मेहनत करेंगे चाहे इसकी कीमत देंगे मगर प्रजातंत्र हमला करने वाली ये सामुदायिक शक्ति हम दूर करेंगे। ये दूर करने के लिए हम एक रहेंगे, इतना विश्वास जैसे कभी मैं दिलाता हूँ और आपकी इजाजत लेता हूँ। जय हिंद। मुझे लगता है अच्छा क्या एक एक आप चाहते हैं राहुल जी से बात करनी चाहिए? आप सबके तरफ से मैं राहुल गांधी जी को विनती करता हूँ यहाँ आइए लोगों के सामने बात करिए।